बदायूं के बिसौली क्षेत्र में 28 दिसंबर की रात को हुए कैंटर चोरी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरी के वाहन खरीदने वाले 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कैंटर, 2 इको कार, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। यह गिरोह अलग अलग राज्यों से वाहन चोरी करके फिरोजाबाद में कटवाते थे। एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए गिरफ्तारी करने वाली टीम को 15,000 के इनाम की घोषणा की है। आपको बता दें, जिला संभल के चंदौसी से एक कैंटर 28 दिसंबर 2021 को इलेक्ट्रॉनिक और परचून का सामान लेकर कस्बा बिसौली आया था, जिसमें कई दुकानों का सामान लदा हुआ था। उस कैंटर को रात में चोरों ने सामान सहित चोरी कर लिया। इस बीच 23 जनवरी को सर्विलांस टीम को जानकारी मिली कि चोर कैंटर लेकर फिरोजाबाद जा रहे हैं, जिसके बाद घेराबंदी करके पुलिस ने धर्मपुर बिहारीपुर गांव के तिराहे से गिरोह के सरगना और एक महिला समेत 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह संगठित गिरोह चलाते हैं और अलग अलग प्रदेशों से वाहन चोरी करते हैं। उनके गिरोह ने जिला एटा, मैनपुरी और गुजरात से गाड़ी चोरी करके जिला फिरोजाबाद के शारिक कबाड़ी को बेची थी और उसके कहने पर ही इको कार चोरी करके लाए थे। बता दें कि शारिक गाड़ियों को काटकर बेचता है और गिरोह का सरगना बदरुद्दीन गुजरात में पुलिस कस्टडी से भागा हुआ है, जिस पर 2011 से लेकर अब तक बिसौली, गुजरात, नई दिल्ली, अहमदाबाद में जाली करेंसी जैसे बड़े अपराध को मिलाकर 21 मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी ने बताया कि दूसरे आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।